वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे। तो गाइस, हमें बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है, जनरल साइंस का, उसको कवर कर रहे हैं। ये 6 से 12 तक का कंपाइलेशन है, ठीक है। 6 से 12 तक का कंपाइलेशन है, इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज गाइस, इससे पहले एक जरूरी सूचना ये है कि आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, जिससे थोड़ा हमारा एंगेजमेंट बढ़ता रहे, ठीक है। अब देखो, सेल वॉल देखते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब सेल वॉल देखते हैं क्या है। देखो, सेल वॉल जो है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक इस तरीके का वॉल की तरह काम करता है। किसकी तरह? वॉल की तरह, यानी कि दीवार होती है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है, उस तरीके से सेल वॉल काम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये गाइस एबसेंट होता है एनिमल्स में। एनिमल्स में यानी कि हम लोग भी आते हैं, हम लोगों में, मानव्स में भी, ह्यूमंस में भी ये एबसेंट होता है। सेल वॉल जो है एबसेंट होता है एनिमल्स में, बट ये प्लांट सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में एडिशनली किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो प्लांट सेल में होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट देखा होगा, उसके ऊपर बाहरी जो बार्क होती है ना, छाल, वो इतनी हार्ड हो जाती है, वो देखा नहीं, बहुत सूखी और हार्ड हो जाती है, वो प्रोटेक्ट करती है अंदर से, अंदर मतलब प्लांट के लिए वो प्रोटेक्शन का काम करती है सेल, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। वो बहुत रिजिड होता है, आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? वो सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। ये सेल वॉल जो है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने जैसा भी बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी साइड पे सेल वॉल क्या होती है? लाई करती है, प्रेजेंट होती है। और सबसे बड़ी बात, ये मेनली सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है गाइस। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल सब्सटेंस होता है, जो क्या है, प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। किसके लिए? प्लांट के लिए। यानी कि वो मजबूती, ताकत प्रदान कराता है, किससे? बाहरी कोई भी अटैक होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन चीजों से, बारिश वगैरह वगैरह, आंधी तूफान, ये सब चीजों से। एक तरीके से ये सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है प्लांट के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल गाइस। और ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। देखो, प्लाज्मोलाइसिस समझो, कोई भी लिविंग प्लांट है गाइस, कोई लिविंग प्लांट सेल है, वो क्या करता है? अपने वाटर को लूज करता है, यानी कि पानी को जब लूज करता है किसी ऑस्मोसिस थ्रू, ठीक है, किसके? ऑस्मोसिस के थ्रू, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसके थ्रू कोई भी लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करता है। एंड देयर इज श्रिंकिंग, देर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। उस समय होता क्या है, जब प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसमें श्रिंकेज आता है, यानी कि एक मतलब सिकुड़न तरीके से आता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, संकुचन हो जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है, वो कंटेंट जो होता है, जो सेल वे सेल से क्या है, दूर चला जाता है। कहां पर? सेल वॉल से दूर चला जाता है वो कंटेंट, वो इसलिए क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। समझे कि नहीं? देखो, समझो क्या है, जो पानी जब प्लांट सेल लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या, जो कंटेंट है ना किसका, सेल का जो कंटेंट है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, किससे? सेल वॉल से। जो सेल वॉल है उससे वो कॉन्ट्रेक्शन में चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है, जो सेल का कंटेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। दिस फिनोमेना नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा मतलब फ्लूड होता है, प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूड, और लाइसिस का होता है डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन, उसको डिसइंटीग्रेट करना, अलग अलग कर देना, डिकम्पोज कर देना, लाइसिस होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कि फ्लूड को डिसइंटीग्रेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। एंड हियर इज, ये जो कंटेंट ऑफ द सेल हैव श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। वही ये बात करें, ये होता है ओनली लिविंग सेल्स में। किसमें? लिविंग सेल्स में होता है, नॉट डेड सेल। डेड सेल में नहीं होता है, सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है, क्योंकि लिविंग सेल्स क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, सिर्फ लिविंग सेल। यानी कि जो डेड सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ लिविंग सेल्स जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, गाइस, ठीक है। अब समझो, प्लांट्स आर एट एडवांटेज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। प्लांट्स को क्या क्या एडवांटेज है सेल वॉल की तरफ से, यानी कि सेल वॉल की वजह से क्या क्या प्लांट को एडवांटेज होता है। नंबर एक, देखो, सेल वॉल जो होता है वो परमिट करता है सेल को, यानी कि जो प्लांट का सेल है या फंगी या बैक्टीरिया का भी सेल हो सकता है, ठीक है, सेल वॉल परमिट करता है सेल्स को, प्लांट या फंगी या बैक्टीरिया का सेल है उसके लिए, किसके साथ? वो स्टैंड करता है विद डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट श्रिंकेज,
डाइल्यूट क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इज कॉल्ड लो कंसंट्रेशन। जो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूबल होता है वो कहलाता है क्या, हाइपोटोनिक। तो जो प्लांट प्लांट्स का सेल है या फंगी का या बैक्टीरिया का सेल है वो परमिट करता है किसके लिए, सेल वॉल के लिए, कि वो भैया जो डाइल्यूट है यानी कि जो हाइपोटोनिक है यानी कि जो लो कंसंट्रेशन है उसके साथ खड़ा रहे। ठीक है, क्यों, एक्सटर्नल मीडियम यानी कि बाहरी तरीके से कोई दबाव पड़ता है या बाहरी तरीके से कोई उस पर अटैक होता है तो उसको वो प्रोबिट कर सके, उससे बचा सके। वो बिना सिकड़े हुए बिना कॉन्ट्रैक्ट हुए वो क्या हुआ है, उसके साथ स्टैंड करता है, किसके, उस लो कंसंट्रेशन के साथ जो लो हाइपोटोनिक है यानी कि लो कंसंट्रेशन जो है जो डाइल्यूशन है उसके साथ। ठीक है, ये सेल वॉल परमिट करता है। ठीक है गाइस, वही बात करें, सच मीडिया द सेल्स टेंड टू लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। आपने पहले ही पढ़ा है कि कुछ ऐसे जो मीडियाज हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लूज कर देते हैं, उसमें क्या होता है सेल श्रिंक हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, जब सेल श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एक प्रेशर पड़ता है, बिल्डिंग अप प्रेशर होता है अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल वॉल के अगेंस्ट में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहां पर, सेल वॉल के अगेंस्ट में। अगर जब वो सेल जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस में जब शुरू होती है या ऑस्मोसिस थ्रू होता है तो सेल जो है क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहां पे एक दबाव बनता है यानी कि दबाव पड़ता है किसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट। तो वॉल है वो क्या करती है, वॉल एक एग्जर्ट करती है, इक्वल प्रेशर लगाती है। एग्जैक्ट मतलब इक्वल प्रेशर, बराबर प्रेशर लगाती है किसके, जो श्रंकन सेल के अगेंस्ट में, जो सेल श्रंक हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके अगेंस्ट में सेल जो है, सॉरी वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो इक्वल प्रेशर एग्जैक्ट करती है। ठीक है गाइस, वही सेल वॉल जो है वो प्रिवेंट करेगी किसको, बस्टिंग ऑफ सेल्स, यानी कि सेल को बस्ट ना हो, सेल बेकार ना हो जाए, फूट ना जाए, बस्ट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करेगी। व्हेन द सेल्स आर अराउंडेड बाई हाइपरटॉनिक मीडियम यानी कि हाई कंसंट्रेशन मीडियम के अराउंड होता है तो उसको बस्ट करने से भी प्रिवेंट करेगी। इस मीडियम में होता क्या है, सेल टेंड टू गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, वो गेन करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, एंड सेल क्या होता है वो स्वेल्स हो जाता है यानी कि स्वेलिंग सी आ जाती है उस पर, यानी कि वो फूल जाता है। क्यों, उस पर क्या है, एक प्रेशर पड़ रहा है किसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है यानी मोटा हो जाता है तरीके से, स्वेलिंग सी आ जाती है। दैट इज कॉल्ड क्या है, ये प्लांट्स के एडवांटेज हैं बिकॉज सेल वॉल की वजह से गाइस। ठीक है, और भी समझो, द वॉल क्या है वो एग्जर्ट करती है इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सॉल, जो स्वेलन हुआ सॉल है, सूजा हुआ सेल है या जो मोटा सेल है उसके अगेंस्ट में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करती है। और इस वॉल की वजह से प्लांट सेल क्या करता है, मैंने पहले ही बताया कि वो ग्रेटर चेंज आता है, वो खड़ा रहता है उसके साथ उस मीडियम में, वो एनिमल सेल्स के साथ, देन एनिमल सेल्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल होता नहीं है तो ये प्लांट सेल के सराउंडिंग में क्या होता है, खड़ा होता है। तो पढ़ो आप, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स प्लांट सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज ऑफ द प्लांट सेल बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो साइटोप्लाज्म जो है ये एक जेली के तरीके का होता है, इट इज लाइक जेली, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है किसमें गाइस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। मैंने पिक्चर पहले भी दिखाई है कि जो साइटोप्लाज्म है ये किसमें प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के बीच में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके का क्या है, फ्लूड है यानी कि जेली टाइप है, तो फ्लूड होगा, फ्लूड कंटेंट है जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर होता है, यानी इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म हो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और ये क्या करता है, इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, ये स्पेशलाइज करता है, कौन कौन से समझो, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडीज या राइबोसोम, ईटीसी। ये जो जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या करता है, कंटेन करता है मेनी स्पेशलाइज सेल्स। ठीक है, बहुत सारे जो स्पेशलाइज सेल है उनको कंटेन करता है ये, कौन, साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है, देखो सेल ऑर्गेनल्स हैं गाइस, माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स। ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स ये परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, यानी कि इनका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। माइटोकांड्रिया का अपना अलग फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का अलग है, राइबोसोम का अपना अलग है, तो ये इनके स्पेसिफिक फंक्शन है सेल्स के लिए, ये अपना डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, ये इनका अपना काम है जो, बट साइटोप्लाज्म क्या है, ये स्पेशलाइज करता है, इनको कंटेन करता है स्पेशली सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, लाइक जेली, यानी कि एक फ्लूड टाइप का कंटेंट है ये गाइस। अब देखो न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस क्या है ये गाइस। न्यूक्लियस जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ये जनरली क्या है, एक स्पेरिकल शेप में होता है, और ये कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ पर, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, स्पेरिकल, जनरली स्पेरिकल टाइप से, ठीक है, इस तरीके से देख सकते, स्पेरिकल इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप की तरीके से इसको, उसकी हेल्प से। और ये न्यूक्लियस जो है सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। कैसे, सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियस को कौन सेपरेट करता है, ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाता है। कौन, न्यूक्लियस, कैसे, बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, किसके, डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा ये साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाता है गाइस, और दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाता है, इसका सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेन, यही कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। और वही अगली बात करें, देखो गाइस वही फैक्ट्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल्स का न्यूक्लियस है वो वेल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जितना कि जो सेल्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल्स है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज होता है कंपेरिजन टू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बैक्टीरियल सेल हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नॉट, तो भैया नो, तो बैक्टीरियल सेल इज नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है गाइस, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपने देखा साइटोप्लाज्म से जब सेपरेट होता है न्यूक्लियस बाय डबल लेयर, यानी कि यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बैक्टीरियल सेल में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने पहले भी समझाया कि डिफ्यूजन के थ्रू ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस करती है, अलाउ करती है, उड़ेल देती है उसको, उसको मूवमेंट में, मोमेंटम में ला देती है उस मटेरियल को, इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के जो इनसाइड है, न्यूक्लियस के इनसाइड में जो है डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में थ्रू डिफ्यूजन ये क्या करती है, इसको अलाउ कर देती है। कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें माइक्रोस्कोप की वजह से बात करें, ये एक हायर मैग्निफिकेशन है, विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी स्मॉलर, देख सकते हो स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है वो आप मैग्निफाई करके देख सकते हो। आपको जो न्यूक्लियस जो है एक्ट करता है एज ए कंट्रोल सेंटर, यानी कि एक वो कंट्रोल सेंटर है, यानी कि वो क्या है, मेन सेंटर है, वो कंट्रोल करने का, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मेन सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही उसको क्या करता है, कंट्रोल पावर उसके हाथ में है पूरी, किसके, न्यूक्लियस के हाथ में, सेल की। और भाई न्यूक्लियस प्ले करता है एक सेंट्रल रोल बिकॉज सेलुलर रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सेल की एक अलग तरीके से एक अलग ही प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है कि वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल का रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोड्यूस होना, ये न्यूक्लियस एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस विच इज सिंगल सेल डिवाइडेड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, यानी कि कोई भी सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है वो नई सेल्स बना देता है, दो तीन चार जितने भी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन गाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें एनवायरमेंट में भी, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है विद द सेल, किसका, सेल का जो वे है कि वो कैसे डेवलप होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, ठीक है, क्या होगा फ्रॉम इट, उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल क्या है, तो ये डायरेक्ट करता है। कौन, न्यूक्लियस गाइस, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड सेल, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो सेंटर है, नर्व सेंटर है वो न्यूक्लियस है, जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, ठीक है। और सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी न्यूक्लियस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
वही इन्वायरमेंटल या डिटरमाइनिंग करने में उसका वे, फाइंड करने में उसका रास्ता, कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, क्यों होगा, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, कहाँ एग्जिबिट करेगा, कैसे केमिकल कंपोजिशन एक्टिविटीज की, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म में दोस्तों न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। एंड प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग सब्सटेंस है किसी सेल का। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म है ये लिविंग सब्सटेंस है सेल का गाइस। ठीक है, हम बात करते हैं क्रोमोजोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम जो है गाइस, न्यूक्लियस जो है कंटेन करता है एक थ्रेड, धागे की तरीके का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, धागे की तरीके का, यानी कि जो धागा होता है ना, थ्रेड होता है, उस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतला मामूली सा होता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। वो क्या कहलाता है? वो गाइस क्रोमोजोम कहलाता है। और क्रोमोजोम में अंदर क्या होता है? वो इनहेरिटेंस होता है गाइस, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। तुम्हारी सारी जितनी भी आपके दादा परदादा चाचा ताऊ, जितनी भी आपकी वंशावली है, वंशानुगत जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोजोम में अंदर होती है। क्रोमोजोम के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, जो फीचर करता है फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसके? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए इज कॉल्ड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है गाइस, आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है? लाई करता है, आता जाता रहता है। ठीक है, क्रोमोजोम जो है वो कंपोजिशन है डीएनए एंड प्रोटीन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोजोम का जो कंपोजिशन है वो डीएनए एंड प्रोटीन का है, यानी क्रोमोजोम में गाइस डीएनए एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है और डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है क्रोमोजोम में। अगर पूछ ले कि आरएनए एंड प्रोटीन है द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम, नॉट, डीएनए एंड प्रोटीन जो क्रोमोजोम का कंपोजिशन है, जो क्रोमोजोम में होता है। और डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये एक इंफॉर्मेशन रखते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है किसकी? कंस्ट्रक्टिंग करने की एंड ऑर्गेनाइज करने की सेल्स को, जो डीएनए के पास होती है। और उसका कुछ सेगमेंट होता है डीएनए का, दैट इज कॉल्ड जीन। फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, वो जीन कहलाता है। डीएनए का जो फंक्शन सेगमेंट है, जो फंक्शन कर रहा है, वो जो प्रोसेस कर रहा है, जो भी एक्शन रिएक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन। और जीन जो है दोस्तों ये इनहेरिटेंस की यूनिट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। ये क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि जो वंशानुगत चीजें देखनी है आपको, तो जीन ही आपका एक तरीके का यूनिट है, उसी के थ्रू आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है क्या? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि पेरेंट्स से एंड अदर थिंग्स में, जो आपके बच्चे हैं उनमें वगैरह वगैरह। और जो क्रोमोजोम है गाइस, इट कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, ये तभी देखा जा सकता है जब सेल का डिवीजन होता है गाइस। इट सी हैव सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, ये क्रोमोजोम को आप तभी देख सकते हो जब सेल का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, क्रोमोजोम एंड सेल डिवीजन आप देख सकते हो। अब देखो जो 46 सेल्स और जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं किसमें? में इसमें इंसान में 46 में, इंसान में, यानी कि जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब देखो एक और है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, कोई भी सेल है उसमें क्या होता है? वो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इन सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। वो जो सेल है डिवाइड नहीं हो रहा है गाइस, दैट मतलब दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। वो जो डीएनए है उसमें क्या प्रेजेंट है? वो क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट है वो डीएनए, तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन मटेरियल कहलाएगा, जो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी भी सेल में, तो समझो वो क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट है। तो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो विजिबल है एंड इंटेंगल्ड होता है मास का, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जैसे क्रोमोजोम होता है उसी तरीके से। जब भी ये जो होता है, सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल, इट गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम। जब भी जो सेल है इसको क्रोमैटिन मटेरियल को डिवाइड करने का सोचता है, वो क्या हो जाता है? वो क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। कौन? क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोजोम। ठीक है, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। वो पूछे कि जो सेल डिवाइड नहीं कर पा रहा है, विच इज नॉट डिवाइडिंग बाई सेल, या विच इज नॉट डिवाइडिंग इन सेल, दैट इज कॉल्ड
बट इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज कॉल्ड, इट इज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल गाइस, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया जैसे, उनमें क्या होता है कुछ न्यूक्लियर रीजन है सेल का, वहां पे क्या होता है, इट मे बी पुअरली डिफाइंड एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोइड होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है या न्यूक्लियर जो रीजन है सेल का, ये पुअरली क्या होते हैं, डिफाइंड होते हो सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस की वजह से। ये न्यूक्लियोइड क्या हो सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं किसी भी रीजन ऑफ द सेल में। ये क्या एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जो कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है न्यूक्लियोइड में, ये कोई डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियोइड का, वो हो इट मे बी, देखो ये मे बी है, इट इज नॉट श्योरिटी, इट मे बी प्योरली डिफाइंड, सॉरी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इट इज ए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इट हैव द कंटेनिंग द ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। जहाँ न्यूक्लिक एसिड है और वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड कहलाएगा गाइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब आगे समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक न्यूक्लियोइड तक हमने कंप्लीट किया है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड देखते रहिए हमारे साथ, एंड लव यू ऑल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू।